Hello, my dear students. Today we will continue, and this lecture will continue the electronic spectra in transition metal complexes. We already discussed about the selection rules and types of the electronic spectra. The one selection rule is that spin selection rule. We will talk about. We already talk about the spin selection rules. Now we will talk about the next selection rule, is called Laporte selection rule. Okay, so ये Laporte selection rule और spin selection rule में अंतर क्या है, किस प्रकार से हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्यों जो है इन दोनों selection rules को आवश्यकता पड़ी, और किस प्रकार से जो है ट्रांजिशन मेटल जो ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशंस हैं, उसके लिए कौन सा अलाउड होगा कौन सा नहीं होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके लिए दो सिलेक्शन नियम दिए थे, पहला है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल्स, दूसरा है लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स, उसके बारे में ठीक है। पहले वाला आपका समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दो मिनट के लिए हम उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने में हम बात कर रहे थे क्या कि चक्रण चयन नियम स्पिन सिलेक्शन रूल जो हम देख रहे थे उसमें मैंने बताया था, यदि चक्रण टोटल कुल चक्रण जो है जो कि उसके बाह्य कक्षक में बाह्य कोष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस प्रकार से जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाह्य कोष में पाए जा रहे हैं, उन टोटल को हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल जोड़ते हैं, प्लस आफ करके हम प्लस आफ माइनस आफ प्लस आफ माइनस आफ करके टोटल जोड़ते हैं, और टोटल का अंतर यदि हमारे क्या मिलता है जोड़ने के बाद में, यदि हमारे पास टोटल जो मिलता है वो, और जिसमें ट्रांजिशन करना है वो, दोनों ऊर्जा स्तरों का कुल चक्रण जो है वो का अंतर यदि क्या है हमारा जीरो है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम बात करें कि ये अगर हम एक ही बात करें कि एस टू से यानी S1 P1 में जाना चाह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो हमने देखा था यदि ये दोनों को इस प्रकार प्लस आर माइनस आर प्लस आर माइनस प्लस आर दोनों बढ़ते हैं कि प्लस आर का टोटल कितना हो गया प्लस वन, और इसका हो गया टोटल कितना हो गया जीरो, हम दोनों टोटल जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है सिंगलेट मिला, या हमें क्या मिला ट्रिपलेट मिलता है, टोटल की बात कर रहे हैं ठीक है। टोटल यहाँ पे इस प्रकार लिखे टोटल एस कितना कैपिटल एस से इसको नोट करते हैं, कैपिटल एस का जीरो है, कैपिटल एस प्लस वन, तो S प्लस वन इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है प्लस वन आ रहा है, तो दोनों का अंतर प्लस वन आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट अलाउड ट्रांजिशंस फॉर द स्पिन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात करते हैं। सिंगलेट है और ये हमारा क्या है ट्रिपलेट है ठीक है, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कोई ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, एकल से त्रिक में अगर जाएगा त्रिक बहुलता में जाता है तो वो अलाउड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल्स ठीक है। दूसरा सेक्शन रूल्स अब देख रहे हैं हम क्या है, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स या लैपोर्ट चैन नियम के बारे में बात करेंगे ठीक है। कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो पूछना हो तो आप कमेंट्स डाल करके पूछ सकते हैं जो हम भेजेंगे उसके अंदर। देखिए तो हम बात कर रहे हैं क्या, दूसरा जो आपका है वो है लैपोर्ट लैपोर्ट सिलेक्शन रूल लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल को हम देखना चाह रहे हैं इस प्रकार से, तो ये लैपोर्ट सिलेक्शन रूल जो है वो हमारा आधार है, चैन आधार है इसका कि हमारा जो है वो आधार क्या है, आधार इसमें सममिति केंद्र का है, यदि किसी अणु में या किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ऐसे आयन में अगर सममिति केंद्र पाया जाता है ठीक है, तो या फिर पी से पी में या डी से डी में समान चक्रण अगर जा रहा है एक ही
कक्षक में, एक तरह के कक्षक में यदि संक्रमण होता है तो वो इस लैपोर्ट सिलेक्शन नियम के अनुसार नोट अलाउड होता है। ठीक है, इसे बात करें एक बार। जैसे पी से पी में जाना चाह रहा है, पी से मान लीजिए पी में जाए, बी से डी में जाता है, तो इस प्रकार के जो संक्रमण है जो कि एक ही कक्षक से एक ही तरह के दूसरे कक्षक में जा रहा है, तो वो हमारा लैपोर्ट चेन नियम के अनुसार नॉट अलाउड होता है। दूसरी बात करूंगा कि यदि किसी अणु में या किसी संकुल में सममिति केंद्र पाया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, तो वो जो है हमारा नॉट अलाउड ट्रांजिशन होता है अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन नियम, लैपोर्ट चेन। देखो कैसे कि हमने देखा पी से पी में, पी से पी का मतलब क्या है, पहले देखिए कि इसके लिए दो चीजें दी गई है कि पी से पी में डी से डी में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए इन्होंने बताया कि जो जिराड़े चीज है इवन, इन्होंने बताया सम और दो चीज थी, सम और असम के बारे में, सम अवस्था और असम अवस्था के बारे में बात की, असम सम अवस्था। ठीक है, दूसरे में बारे में बात करी असम अवस्था। सम अवस्था का मतलब है मान लीजिए पी से पी में जा रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, डी से बी में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये क्या हमारी असम अवस्था है, सॉरी सम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। असम अवस्था यानी पी से डी में गए, डी से पी में गए, इस प्रकार की अवस्था है वो असम अवस्था है। इनको इन्होंने नाम दिया असम को बोले इवन, इवन फॉर्म या इवन स्टेट। इवन स्टेट के बारे में बात करते हैं और ये कहा जाएगी आपका असम है, नॉन इवन है। स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वो अवस्था जो है उसके बारे में बात करते हैं और इस प्रकार से हमें मिलता है, अगर असम के बारे में बात करें, अन इवन फॉर्म है या अन इवन स्टेट है उसके बारे में बात करते हैं। इसको कलेक्टिवली कहा गया क्या, इसको कलेक्टिवली कहा गया क्या, जिराड़े, क्या कहा गया, जिराड़े के रूप में हम बात करते हैं, इसको कलेक्टिवली कहा गया हमारे पास जिराड़े। तो जिराड़े और ये कहा गया हमारा अन जिराड़े, ये जिराड़े है और ये अन जिराड़े। ठीक है, तो जिराड़े अन जिराड़े का मतलब है, जिराड़े का मतलब है समावस्था और अंजिराड़े का मतलब है असमावस्था। तो लैपोर्ट कहता है कि जिराड़े से जिराड़े में और अनजिराड़े से अनजिराड़े में जो भी ट्रांजिशन होंगे, संक्रमण होंगे, वो सब नॉट अलाउड। शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें, शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि अनजिराड़े से जिराड़े से जिराड़े टू जिराड़े ऑर्बिटल्स में ये क्या होंगे, नॉट अलाउड होंगे, नॉट अलाउड होंगे। यदि हम बात करें अनजिराड़े, अनजिराड़े टू जिराड़े में जा रहा है कोई चीज, जिराड़े को ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये अलाउड होगा, अलाउड मतलब अनुमत होगा और ये निषिद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिराड़े से जिराड़े में, अनजिराड़े से जिराड़े में जो भी ट्रांजिशन होता है, यानी वो ऑर्बिटल जो कि जिराड़े का प्रकृति रखते हैं, तो वो ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल के अंदर जो भी जिराड़े की प्रकृति रखते हैं उनमें ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें एक अगर प्रकृति जो है किसी कक्षक की या किसी ऑर्बिटल की अनजिराड़े है, दूसरे ऑर्बिटल की या दूसरे कक्षक की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या है, जिराड़े है, तो ऐसी कंडीशन में वो अलाउड होंगे, यानी जी से जी में, शॉर्ट में कहें जी से जी में नॉट अलाउड और जी टू आपका जी में अलाउड ट्रांजिशन, जी टू जी में नॉट अलाउड और यू अनजिराड़े टू जिराड़े अलाउड ट्रांजिशन।
यानी विपरीत जो आपके प्रकृति के ऑर्बिटल्स होंगे उनमें सब में संक्रमण अलाउड होगा, संक्रमण होगा, और जिनमें नहीं होते हैं उनमें संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एक और इसका लेक्चर बनाया, इसलिए क्योंकि ये और काम की चीजें समझने के लिए, और उस समझने के लिए हम जो है देख रहे हैं क्या कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। हम बात करते हैं एस पी डी जो ऑर्बिटल्स है, ये जिराड़े होगा या अंजराड़े होगा उसके बारे में देखते हैं। एस ऑर्बिटल हम देखते हैं किस प्रकार का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, एक प्रकार का गोलाकार आकृति का मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना चारों दिशाओं में समान है, इसलिए वो गोलाकार हमें जो है ऑर्बिटल मिलता है। इससे हम देखते हैं यहां से अगर हम सेंटर से हम बात करें समिति केंद्र की बात करें तो इसका जो ऑर्बिटल इसका जो कक्षक है वो कक्षक की साइज आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें अगर इससे इधर जाए इधर जाए इधर जाए सभी जगह हमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मिलती है, सभी जगह समान आकृति का गोलाकार है, तो ये एक प्रकार का सेंटर समिति केंद्र सेंट्रल सिमेट्री के अंदर पाई गई, तो ये हमारा कहलाएगा क्या जिराड़े। ठीक है, दूसरा है पी ऑर्बिटल की बात है, पी ऑर्बिटल आकृति किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की है, तो इस प्रकार के होने का ऊपर से जा रहे हैं नीचे प्लस और माइनस है। हम अगर ऊपर जाते हैं तो और नीचे जाते हैं तो दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का जो हमारा पोटेंशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इधर से इधर जाएंगे कुछ नहीं मिल रहा है, इधर से कुछ नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो है डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण या इसके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इस प्रकार से होने के कारण तो इसमें जो है समिति केंद्र नहीं पाया जाता प्योर ऑर्बिटल के अंदर प्लस और माइनस, और इस प्रकार से अगर यहां से इधर जाए तो इसे एक प्रकार से समिति केंद्र नहीं है क्योंकि सभी दिशाओं में समान इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा हमारा अंजिराड़े। ठीक है, ये हो जाएगा क्या अंजिराड़े हो गया। और इस तरह से हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल भी इस प्रकार से होते हैं, हम देख सकते हैं इस प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं, ये आपका जो है प्लस प्लस माइनस माइनस देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहां से इधर और इधर से इधर लाइन खींचते हैं, तो यहां सेंटर से अगर ऊपर जा रहे हैं तो इस सेंटर से नीचे जा रहे हैं, तो इस सेंटर से फिर उसी एल डायरेक्शन में एल लेंथ डायरेक्शन में ऊपर गए, एल लेंथ ऊपर गए वापस से, तो चारों तरफ जो है यहां से इस तरफ जाइए ऊपर जाइए नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, तो चारों तरफ जो है फिर इसके जो ऑर्बिटल्स की साइज डबल शेप होती है, तो होने के कारण हमें जो है लगभग चारों एक्स वाई जेड इन दिशाओं में या इस तरह के जो चारों तरफ जो है दिशाओं में जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग जो है समान मिलती है, या फिर हम कहें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री समिति केंद्र डी ऑर्बिटल में पाया जाता है, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा पास जिराड़े। इस प्रकार से हमारे एस जिराड़े पी अंजिराड़े डी जो है जिराड़े। ठीक है, तो इसलिए लैपोर्ट सिलेक्शन रूल बोलता है कि डी से डी ट्रांजिशन सी एफ टी अकॉर्डिंग डी से डी ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिराड़े टू जिराड़े में आता है। ठीक है, जिराड़े टू जिराड़े हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो जो डी से डी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट हमें क्या होता है इस प्रकार से हम देखते हैं डी से डी में ट्रांजिशन यानी टी टू जी हम लिखते हैं क्या टी टू जी और इसे लिखते हैं तो ये भी क्या है प्रकार डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी जिराड़े है और ये भी जिराड़े है, ऐसी कंडीशन यहां से अलाउड अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर देख कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और इसलिए जो है यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की साइज इस प्रकार की होती है, तो इसलिए जो होगा कि डी से डी ट्रांजिशन जो है ऑक्टाहेड्रल की स्थिति में अगर वो होता है वो क्या होता है समान हमें क्या मिलेगा ट्रांजिशन नहीं मिलता है और समान जिराड़े जिराड़े नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में डी ऑर्बिटल जो है वो उसके अंदर हमें ऑक्टाहेड्रल स्थिति के अंदर ट्रांजिशन जो है वो हमें नॉट अलाउड मिलता है अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन नियम। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे किस प्रकार एग्जांपल क्या है लैपोर्ट सिलेक्शन नियम के, कौन कौन से जो है ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है अष्टफलकीय संकुल है उनका
कलर है वो बिल्कुल निम्न होता है, या भी उसकी ब्राइटनेस कलर की जो होती है बहुत ही कम होती है, यानी उसकी जो संक्रमण है वो बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर चतुष्फल के संकुलों की जो कलर क्षमता होती है, रंगीन की क्षमता होती है, उसका कलरनेस जो है वो कलरनेस बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल सिमेट्री टेट्राहेड्रल में नहीं पाई जाती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल सेंट्रल सिमेट्री पाए जाने के कारण इनका इनके अंदर जिराड जिराड होता है। और लैपोर्ट के अनुसार ये हमारा जो है नॉट अलाउड ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल सीएफटी को कतई फॉलो नहीं करता है। ओके, थैंक यू सो मच।